हेलो और अंकिता, हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए तो आपको क्या लगता है कि ये जो टॉप 5 वो डिजर्विंग थे? उसमें से एक तो नहीं था बट अभी है तो ठीक है। और 2 में, हाँ टॉप 2 में कौन कौन आ सकता है? में जाएगा तो फिर अंकिता तो मेरी फेवरेट है, मैं उसी के लिए बोलूँगी अंकिता फर्स्ट एंड सेकंड मुनव्वर। ओके, जैसा कि आप बोल रहे हैं अंकिता आपकी फेवरेट, आपको उनका गेम कैसा लगा? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से खेल रही है वो और ऐसे ही खेलती रहेगी। मेरे को तो बहुत फेवरेट है वो, पहले से ही अच्छा खेलती है वो और खेल भी रही है, खेलना चाहिए। और मैं करती हूँ प्रे गॉड से कि वही जीते अंकिता लोखंडे। और जैसे कि मुनव्वर अंकिता की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो क्या लगता है इन दोनों दोस्तों में अगर अंकिता ट्रॉफी लिफ्ट करती है तो मुनव्वर थोड़े सैड हो जाएंगे, उनके लिए खुश होंगे? वही तो, दोनों में भी ये लग रहा है कि कौन कौन जीते कौन, पर मैं चाहती हूँ अंकिता जीते और अगर मुनव्वर जीत गया तो फिर गॉड लक। थैंक यू। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के 5 फाइनलिस्ट मिल गए तो आपको क्या लगता है 5 डिजर्विंग थे? मैं तो एक ही को जानता हूँ जो है मुनव्वर फारूक है। ओके, तो आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन कौन जा सकते हैं? मुनव्वर के अलावा उनके साथ कौन टॉप 2 में होगा? और भी कोई नहीं, सिर्फ मुनव्वर को मानते हैं, मुनव्वर भाई है अपना। आपको मुनव्वर का गेम कैसे लगे? वो फ्रंट पे आके खेले, हाँ वो बहुत अच्छा, जो भी है लोकअप भी जीता सब कुछ, तो उनके वजह से शो में जान रहती है, तो भाई है हमारा। तो क्या लगता है इस साल की ट्रॉफी वही जीतेंगे? बिल्कुल, जीतना भी है और वो लेके आएगा 100%। थैंक यू। बोलो। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस क्योंकि टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए तो आपको क्या लगता है वो डिजर्विंग थे यहाँ तक आना? डिजर्विंग मेरे को लगता है मुनव्वर ही है, क्योंकि पहले से लेके लास्ट तक उसने सबका साथ दिया है, उसके साथ सबने चीट किया है, उसके पीछे सबने गलत बात बोला है उसका, आयशा का पर कुछ ऐसा नहीं था, मनारा के बारे में भी गलत बोला है कि मनारा से लव करता है, पर कुछ नहीं है, उसकी अच्छी फ्रेंड है मनारा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मुनव्वर जीते। लेकिन कहीं ना कहीं मुनव्वर ने भी तो आयशा से चीट किया था जिस वजह से आयशा घर में आई। वो मस्ती में बातें बोल रहा था, काफ़ी किसी को हर्ट हुआ है और उसने सॉरी भी मांगा है, हर चीज़ का सॉरी बोला है सबको, फिर भी उसको लोगों ने चीट किया है, तो मैं चाहता हूँ मुनव्वर जीते। बेस्ट ऑफ लक मुनव्वर, हम तेरे साथ हैं। ओके ओके, टॉप 2 में मुनव्वर के साथ कौन खड़ा हो सकता है? टॉप 2 में मुनव्वर के साथ कौन? मनारा या अभिषेक। मनारा, आपको मनारा लगती है डिजर्विंग? हाँ मनारा लगती है। जी, ट्रॉफी मुनव्वर ही ले जाएंगे। हाँ मुनव्वर, ऑफकोर्स। थैंक यू। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस क्योंकि टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए, क्या लगता है आपको यहाँ तक आना डिजर्विंग थे? हाँ हाँ डिजर्विंग थे ना, क्यों नहीं थे। और मैं तो, मेरा तो सपोर्ट सिर्फ एक ही बंदे को, वो है मुनव्वर। मुनव्वर भाई आई लव यू, दिल से मैं आपको प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसी तरह खेलते रहो और जितना तो आपको ये है तो लिख के ले लो मेरे से। सलमान भाई तो आपको ही ट्रॉफी देने वाले। ओके, टॉप 2 में कौन जा सकता है मुनव्वर के साथ? आई थिंक अभिषेक, और तो कोई नहीं लगता मुझे, अभिषेक आ सकता है, बाकी मुनव्वर तो फाइनलिस्ट है, वही है। ओके, तो मुनव्वर अभिषेक की दोस्ती पर क्या कहना चाहोगे? दोनों दोस्त साथ में होंगे तो ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, किसी एक को तो हर्ट होना पड़ेगा। हर्ट तो होना पड़ेगा लेकिन मेरे हिसाब से हर्ट नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है जीतेगा तो एक ही, तो एक को तो सबर करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मुनव्वर भाई तो जीतेगा बस, और क्या बोलूँगा। आपको क्या लगता है कि मुनव्वर ने अभिषेक से ज़्यादा अच्छा गेम खेला, क्योंकि जितने एफर्ट्स अभिषेक ने डाले थे उतने एफर्ट्स मुनव्वर के नहीं दिखे? लेकिन मुनव्वर खेल रहा है उसको, और तो अलग चीज़ है, अगर हम पॉइंट्स पकड़ेंगे तो ठीक है अभिषेक, लेकिन मुनव्वर खेल रहा है, वो खेलने जैसा खेल, जैसा खेल एक्चुअल में, जैसा गेम जैसा प्ले करते हैं वैसा वो खेल रहा है वो एक्चुअल में, तो मुनव्वर भाई अपना, मुनव्वर भाई दिल से सपोर्ट है तुमको। जी थैंक यू। हेलो मैम, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस क्योंकि टॉप 5 मिल गए हैं तो क्या लगता है टॉप 5 यहाँ तक आना डिजर्व करते, तुमका गेम अच्छा था? डिजर्व तो सब करते बट मेरी फेवरेट मनारा है, जिस तरह से उसने खेला है, जिस तरह से उसने अपने रिलेशंस को निभाया है, उसकी दोस्ती हर चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है, और फिर उसके बाद उसके साथ पोकिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, बाकी सारे कंटेस्टेंट भी अच्छा खेल रहे हैं बट मनारा सबसे अच्छा खेल रही है और वो मुझे बहुत पसंद है, आई लव यू मनारा। मनारा के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे थे, मीडिया आई थी तो भी मनारा को ही टारगेट करती, घर में जितने मेंबर्स थे चाहे मुनव्वर हो अंकिता सब उनको ही टारगेट कर रहे थे, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? बोलते ना कमज़ोर पे तो बहुत ज़्यादा लोग ही टारगेट करते हैं, ठीक है, तो फिर मनारा टॉप 5 में डिजर्व करती है और वो टॉप 2 में जाना भी डिजर्व करती है और मैं चाहती हूँ कि वो ट्रॉफी जरूर जीते। ओके, फिर आपसे जानना चाहिए टॉप 2 में कौन कौन हो सकता है मनारा के अलावा और कौन डिजर्विंग लगता है टॉप 2 में? मुनव्वर और अभिषेक भी है, बस मुनव्वर अभिषेक और मनारा।
कि मनारा मुनोर के रिलेशन पे क्या कहेंगे, काफ़ी उनके रिलेशन में अप्स थे डाउन थे। हाँ, उसकी लाइफ में अब जब से वो बिग बॉस में आई है अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए हुए हैं, और बट जिस तरह से उसने लड़ा है, जिस तरह से उसने हर चीज़ को सामना किया है, वो डिजर्व करती है ट्रॉफी, तो वो डिजर्व करती है जी। थैंक यू। हेलो, आपसे जाना चाहेंगे बिग बॉस, क्योंकि टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए, फिनाले भी होने वाला है, क्या लगता है टॉप 2 में कौन जाएगा और ट्रॉफी किसे मिलेगी? देखिए, टॉप 2 की तो बात ठीक है, पर बात करें टॉप 3 तक जाने के लिए तो अंकिता का टक्कर अलग लेवल का। कल का जो एपिसोड देखे थे हम, कहीं ना कहीं अंकिता का जो था ना, एक इमोशनली बिग बॉस बायर्स दिखा रहे कि लाइक ना अंकिता के साइड से सिंपत्ति जो होता है वो मिले अंकिता के, और अंकिता, मुनव्वर और विकी, ये तीनों में ना अब तक की जो वोटिंग है ना, इन तीनों में ना एक लड़ाई चल रही है। अब उसमें देखना ये होगा कि कौन टॉप 2 में जाएगा। सलमान खान के हाथों में दो हाथ होगा, अब एक साइड मेरे ख्याल से मुनव्वर हो सकता है, दूसरे साइड हो सकता है अभिषेक। टॉप 2 में हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सलमान खान के हाथों में दो ही हाथ हो सकते हैं, एक साइड तो हो सकता है मुनव्वर और दूसरे साइड हो सकता है दूसरे साथ अभिषेक। अगर अंकिता की वोटिंग ज़्यादा हुई तो शायद मुनव्वर की जगह अब अंकिता ले सकती है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो मुनव्वर की फैन फॉलोइंग अंकिता से कहीं ज़्यादा है। हाँ, बात वही है ना, इस बार क्या होता है कि हर बार ही होता है कि वोटिंग के बेस पर कब पास अप लड़ जाए, क्योंकि अगले सीजन में जब दो ये अपना 16 में देखा गया था कि ना जो भी था एक्सपेक्टेशन किसी और का था और लेके गया ट्रॉफी हो कोई और, तो हम लोग भी लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बोल सकते कि कौन लेके जा सकता है ट्रॉफी, है ना, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी चेंज हो सकता है। तो जहाँ तक लग रहा है कि अब तक की जो हमें पता चला है ना, उस पर तो लग ही रहा है कि अभिषेक लेके जा सकता है या मुनव्वर लेके जा सकता है, पर बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं, यू नो वो कौन सा गेम कब से खिला दे और उनको पता चल जाए। क्या लगता है कि अगर बिग बॉस इस बार बायस्ड है तो इस अपना बायसनेस लास्ट तक दिखाएंगे, ट्रॉफी तक दिखाएंगे और ट्रॉफी अंकिता के हाथों में दे देंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि इस बार ना ये बिग बॉस भी बोले कि मैं बायर्स हूँ, बट लास्ट टाइम जब ये बोल दिए कि नहीं, अब जो वोटिंग होगा वो ऑडियंस के बात में होगा, जब ये विक्की भैया जब घर से निकले तब भी वो उन्होंने बिग बॉस ने बोल दिया कि अब जो होगा ये ऑडियंस के बेस पे होगा, अब मैं कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब वो कितना तक वो खड़ी उतरते हैं वो बिग बॉस के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना अभिषेक डिजर्व करता था टॉप 5 में, उसका शुरू से एक लेवल का गेम था, चाहे किसी का भी हो, या अगर बात करें अब विक्की भैया की, जो विक्की भैया का गेम था ना, अगर बिग बॉस इंटरफेयर नहीं करते उसके गेम में, क्योंकि कहीं ना बिग बॉस यही चाहते थे कि अभिषेक उतना ना करे खुलना, क्योंकि ना अभिषेक ये अपना विक्की भैया का ना एक अलग ही क्वालिटी था कि सबको अपनी बातों में यूं ही ले लेने के लिए, अपनी बातों में घुमा लेते हैं। ओके, तो विनर मुनव्वर अभिषेक में से कोई एक? हाँ, ये अभिषेक हो सकता है, चांसेस उसके अभिषेक के ज़्यादा, अगर यू नो, और मुनव्वर का तो फैन फॉलोइंग तो आखिरी लेवल को, उसके स्टैंड अप कॉमेडियन की वजह से इनका फैन फॉलोइंग डिजिटली अच्छा है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक टक्कर देंगे अभिषेक को, फुल्ली फुल ए 1-1 हो सकता है उनका टक्कर। हेलो, तो इंडियन ऑयल में जाके मैं नहीं किया, नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ दो बार से भेज दिया, मैं नहीं यार। अच्छा, वैसे तो सभी थे, मतलब ऐसे कि मुझे तो लग रहा है ईशा भी टॉप 5 में रहती, पर शॉकिंग एलिमिनेशन ईशा का और विकी का भी, और अरुण मुझे ऐसा लगता है अनलकी, मतलब लकी है, अनलकी नहीं है, लकी है, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचे टॉप 5 तक, मुझे तो मतलब ऐसा उसके उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, गेमिंग जैसे गेमिंग कम्युनिटी से है तो फैन फॉलोइंग ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रहेगी, तहलका की फैन फॉलोइंग उनको मिल रही है, तो टॉप 5 में आना उनका तो बनता है फैन फॉलोइंग की वजह से। हंड्रेड परसेंट तो अभिषेक ने पूरा उसका मतलब स्टार्टिंग इसलिए कि अभी तक जर्नी जो थी बहुत ही बेस्ट थी, मतलब उसके लाइफ में इमोशनल सीन, मतलब इमोशनल वक्त भी आया, फिर गुस्से में बहुत मतलब टॉक्सिक सब बोलते हैं कि मारा, थप्पड़ मारा, तो वो भी बहुत गलत है, पर यहाँ तक पहुँचे वो बहुत बड़ी बात है, और उसकी जर्नी बहुत बेस्ट थी। मेरे हिसाब से टॉप 2 अभिषेक और मुनव्वर, ये गारंटी रहेंगे टॉप 2 में, और जीतेगा तो
अभिषेक। नहीं नहीं बाहर भी रहेंगी उनकी दोस्ती, पर पक्की मतलब किसकी तरफ से ज़्यादा लगता है वो अभिषेक की तरफ से लगता है, क्योंकि अभिषेक ने एक लाइन भी बोली थी, अभिषेक ने एक लाइन नहीं बोली थी कि रिश्ता मतलब मैं निभाता हूँ अच्छे से, मतलब मेरी तरफ से रिश्ता दिखता है पर उसकी तरफ से नहीं दिखता, पर होता है दोस्ती में होता है, हार जाके हो गई दोस्ती उन दोनों की, हो सकती है। इमोशनल पर्सन अभिषेक लगता है, क्योंकि ईशा भी जब एलिमेंट हुई थी, जब इविक्शन उसका हुआ था तभी भी वो बेचारा बहुत रो रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा कर पा रहा था अपना आंसू, तो बहुत इमोशनल है वो बंदा। ट्रॉफी कौन लिफ्ट कर सकता है? ट्रॉफी मेरे लिए तो अभिषेक दिखना तो विनर, पर फैंस पता नहीं मुनावर को बहुत फॉलो है, फैन फॉलोइंग कर रही है, तो शायद से अभिषेक या मुनावर में से कोई भी जीत सकता है। वेलकम। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए, क्या लगता है यहाँ तक आना डिजर्व करते थे, और इनकी स्टोरी मतलब इनकी जर्नी आपको कैसी लगी? नहीं, मुझे लगता है कि अरुण जी को छोड़ के सारे डिजर्विंग है, अरुण जी की जगह विक्की होता या फिर आयशा नहीं विक्की, उससे पहले ईशा भी डिजर्विंग थी, अरुण जी को नहीं देखता मैं वहाँ पर। टॉप टू मेरे हिसाब से या जो फैन फेवरेट है मुनव्वर फारूकी और अभिषेक, क्या अभिषेक आ गया, क्या अभिषेक बहुत हो गया ना। वो अगर उनकी पर्सनल लाइफ को छोड़ दिया जाए तो फिर वो तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने, अपना माइंड से भी और इमोशनली भी जो भी है सारा कुछ अच्छा ही किया उन्होंने। मुनव्वर फारूकी क्लियर विनर, नो डाउट। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस का फिनाले आ चुका है, तो 5 फाइनलिस्ट मिल गए, तो आपको इनकी जर्नी कैसी लगी, कौन यहाँ तक पहुँचना डिजर्व करता था इन बातों में? देखिए गेम तो सबका ही अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट है तो सबसे अच्छी गेम मुनव्वर फारूकी की ही लगी मेरे को, और वही डिजर्व करते विनर होना। टॉप टू में मेरे हिसाब से ना मुनव्वर के साथ अभिषेक। ओके, तो आपको कैसा लगता है कि अभिषेक से ज़्यादा मुनव्वर डिजर्विंग है, जबकि अभिषेक ने गेम को अपना 100% दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से खेला? जी बिल्कुल, अभिषेक जी भी बहुत अच्छा खेले गेम, बिग बॉस की जर्नी उनकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो फेवरेट है वो फेवरेट है मुनव्वर फारूकी। हाँ जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी है वैसे अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती भी बहुत बेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छी जोड़ी है उन लोगों की, तो मुनव्वर इज द बेस्ट और वही विनर होगा। बिल्कुल, मुनव्वर फारूकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।